अच्छा इंसान नहीं है, गुंडा है गुंडा। मासी जी, मैंने दादाजी को प्रॉमिस किया है कि अगले 24 घंटे के अंदर मैं आप तीनों को घर वापस लेकर जाऊंगी। धमकी दे रही है रघु को। आवाज और उंगली नीचे रघु। एक बात समझ लो रघु, अगर औरत ममता की मूरत होती है तो वो दुर्गा का रूप भी होती है, और अगर उसने एक बार ठान ली तो बड़े से बड़े राक्षस का भी वध कर सकती है। क्या हुआ सुभाषिनी, क्या कहा रघु ने? श्यामराज जी, रघु का एक ही मकसद है और वो है पारेख परिवार से ज्यादा पैसे निकलवाना। और रियली, ये तो गुड न्यूज है। मैं अभी रसिक जी से बात करके रघु से डील फाइनल करता हूँ, अब कोर्ट जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यही तो रघु का प्लान है कि पारेख परिवार अपनी बदनामी से डर जाए, टूट जाए और रघु से आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने की बात करे। वो मुंह मांगी कीमत मांगे और हम उसे वो दे दें। पर हम ये नहीं करेंगे। पर क्यों? कोर्ट जाएंगे तो कितना टाइम बर्बाद होगा, और अगर कोर्ट नहीं गए तो पैसे भी जाएंगे, और रघु सारे वर्कर्स को ये कह देगा कि पारेख परिवार ने पैसों के दम पर सच खरीद लिया। इसलिए हम कोर्ट जाएंगे और रघु को झूठा साबित करेंगे। कोर्ट सबूत मांगता है, गवाहों की सुनता है, और रघु जैसे गुंडे के सामने कौन खड़ा होगा? श्यामराज जी, आप सिर्फ बेल के पेपर्स तैयार कीजिए। गवाह और सबूत कैसे लाने हैं ये आप मुझ पर छोड़ दीजिए। देखा रहो सुबह कितने कॉन्फिडेंस और हैव टू डू वाले एटीट्यूड के साथ काम कर रही है। पर इसके इसी पॉजिटिव एटीट्यूड को देखकर मुझ में फिर से उम्मीद जाग उठी। और ये उम्मीद आप टूटने मत देना राहुल भैया। प्रॉमिस, ये केस हम ही जीतने वाले हैं। सुबह मैं प्रॉमिस करता हूं, मगर बेल का क्या हुआ? आप टेंशन मत लीजिए, बेल भी हो जाएगी। वकील साहब हमारे पेपर्स लेकर स्पेशल कोर्ट गए। थैंक्स सुबह। वैसे अब बहुत देर हो चुकी है, तुम घर जाओ। इसका मतलब आपने सुबह को जाना ही नहीं। क्या मतलब क्या है तुम्हारा? सुबह ही पुलिस स्टेशन है, तुम्हारा यहाँ बैठा रहना सही नहीं है। प्लीज तुम जाओ घर। हाँ सुबह, ऋषि ठीक कह रहे हैं, प्लीज घर चली जाओ। ऋषि समझाना यार। देखो सुबह। नहीं मासी जी, मैंने आपकी बात मानी नहीं, इसीलिए घर जाकर आप मुझे इसके लिए सजा भी दे सकते हो। बिना खाए पिए मैं एक टांग पर खड़ी हो जाऊंगी, पर अभी यहां से अगर जाने के लिए कहेंगे तो वो मुझसे नहीं होगा। बकुला, अब बस भी करो इतना रोना। देखो अभी अभी सुबह ने मुझे फोन किया था और कहा कि वो सब कुछ ठीक कर देगी। सुबह ने फोन करके बताया? मतलब
वो अभी तक पुलिस स्टेशन में है? हाँ वही है। मैंने भी यही कहा कि बेटा बहुत रात हो गई है, अब घर आ जा। तो पता है क्या कहती है कि नहीं, जब तक मेरे मास्टर जी यहाँ हैं, मैं घर नहीं आऊंगी। सच कहो बा, कभी कभी तो लगता है कि मैं सुबह को समझ ही नहीं पा। ऐसा तो तुझे शलाका के लिए भी लगना चाहिए। अब देखो ऋषि वहां पुलिस स्टेशन में है और वो अपनी बीमारी का बहाना बनाकर कमरे में जाकर बैठ गई है। और सुबह को देखो वो कितना कुछ कर रही है हमारे परिवार के लिए, ऋषि के लिए। ये बात मेरे दिमाग में भी आई थी बा, लेकिन अब जब वो बीमार हो चुकी है तो वो क्या कर सकती है? बकुला, अगर ऐसी बात सावित्री ने सोची होती ना, तो क्या कभी भी अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस ला सकती थी? जहां चाह होती है वहां राह होती है। कोशिश करना शलाका का फर्ज बनता है कि नहीं? आप कहे तो मैं उसे समझा। नहीं बकुला, ये समझाने की नहीं, समझने की बात है। और मुझे लगता है कि अब बहुत कुछ तुम्हारी समझ में भी आने लगा है। सही कह रही है बा, आज समझ में आ रहा है कि बापूजी का सुबह को लेकर के फैसला बिल्कुल सही था और मेरा शलाका को लेकर के फैसला देखी जा रही मुझसे मास्टर जी की ये तकलीफ। इन्हें बाहर निकालने के लिए मुझे किसी भी तरह किसी को गवाह बनाकर सामने लाना होगा, मगर कौन देगा इस रघु के खिलाफ गवाही? इंस्पेक्टर साहब जी, वो सिर्फ इतना जानना था कि पारेख परिवार के खिलाफ कंप्लेन की किसने? उस मजदूर की बीवी ने जिसकी मौत हो चुकी है। क्या नाम था उसका? हाँ, शांति। शांति ने रघु के साथ आकर केस फाइल की थी। देखते हैं आज की हेडलाइन क्या है। शलाका इलाहाबाद में, आपने ये न्यूज़ पढ़ी? कौन सी न्यूज़? ये देखिए, इस न्यूज़पेपर में तो बारिक इंडस्ट्री के बारे में बहुत उल्टा सीधा लिखा है। इसमें ये भी लिखा है कि इससे अपने बिजनेस पे बहुत बुरा असर होगा। हाँ पता है, सुबह से टीवी पर यही न्यूज़ चल रही है। पता है, मेरी मम्मी के यहाँ से सब रिश्तेदारों के फ़ोन आ रहे हैं। यही तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं सबको क्या जवाब दूँगी।
एक और रिश्तेदार छलाका। हाँ? तुम प्लीज ये दूध दादाजी को दे आओ। थैंक यू। हाँ हेलो। बढ़िया ही थैंक्स कहने वाली। नौकरानी बना के रखा है मुझे, दादाजी को दूध दे के आओ। माय फुट। ये लीजिए प्रसाद। जय महादेव। लेकिन लाडू, कल रात को जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ। वो सुबह बिचारी पूरी रात वहां पुलिस स्टेशन में रही, और मैं हूं कि मैं यहाँ घर में बैठा हूँ। आप चिंता मत कीजिए महादेव जी, जो कुछ भी करते हैं ना, इसमें कोई ना कोई संकेत जरूर होता है। मतलब? मतलब कल रात मुझे सुबह ने पुलिस स्टेशन से फोन किया था। अच्छा। हाँ, और उसने मुझसे कहा कि रसिक का बर्ताव उसके साथ बहुत अच्छा था। अच्छा। और यहाँ घर पे बकुला से भी मेरी बात हुई। अच्छा। उसे भी एहसास हुआ है कि सुबह हमारे लिए कितना कुछ कर रही है। अगर ऐसा है तब तो मेरी महादेव जी से प्रार्थना है कि वो ऋषि को जल्द से जल्द इस बात का एहसास करवा दे कि शलाखा उसके लायक नहीं है। सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप थोड़ा सा भरोसा रखिए। जब ऐसा होगा ना, उस दिन मैं शलाखा को धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल दूंगा। बस अब ऋषि के सामने शलाखा की हकीकत बहुत जल्द आ जाएगी। बुड्ढे की आवाज, इसका मतलब बुड्ढा बोलने लगा है। ओ गॉड, अगर इसने मेरी सच्चाई लाडू बा को बता दी तो मैं शलाका। दादाजी बात कर रहे हैं अंदर। क्या दादाजी बात कर रहे हैं? लाडू बा। अरे इला बेटा, तुम आओ। अभी कुछ गिरा, मैंने आवाज सुनी, क्या हुआ? ऐसे क्या देख रही हो? दादाजी को। आओ शलाका, देखो ना, दादाजी अपनी व्हील चेयर पर बैठे। दादाजी बैठे हैं, मतलब क्या कहना चाहती हो? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। लाडूबा कुछ नहीं, लगता है कि शलाका की तबीयत के साथ साथ उसका दिमाग भी खराब हो गया। मुझसे कह रही थी कि उसने आपको और दादाजी को बातें करते हुए सुना। बकुला काकी, लाडूबा कहाँ है? क्या हुआ? लाडूबा, आप दोनों मेरे साथ जल्दी चलिए, अभी। लेकिन कहाँ चलना है? देखो ना, मुझसे कह रही थी कि उसने आपको और दादाजी को बात करते हुए सुना। तुम्हारे दादाजी बात कर रहे थे? देख लिया ना शलाका। हाँ, अब चलो, लगता है दादाजी के साथ साथ तुम्हें भी आराम करने की जरूरत है। धातुबा, आई एम रियली सॉरी। शलाका की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ, अगर आपको बुरा लगा हो तो। नहीं इला बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। वैसे मुझे खुशी ही होती अगर तुम्हारे दादाजी बोलने लगते। कम से कम हमें पता तो चलता कि आखिर इलेक्ट्रिक का शॉक उन्हें लगा कैसे।
शलाका, तुम्हारे माथे पर इतना पसीना क्यों? नहीं नहीं लाडू बाबू, कुछ नहीं। वो मेरे हाथ से वो दूध का ग्लास गिर गया ना। I'm sorry. मैं आई। हाँ अच्छा अच्छा अरे सुनो शलाका, नहीं लगेगा, उसे आराम करने दो, उसकी तबीयत खराब है ना। नहीं तो फिर सबसे कहती फिरेगी कि मैंने तुम्हारे दादाजी को सिर्फ बोलते हुए नहीं चलते फिरते भी देखा है। बिल्कुल ठीक कह रही है लाडू का, जाने दीजिए उसे। बाप मैं दादाजी के लिए दूध लेकर आती हूँ। नहीं नहीं मैं ले लूंगी, जाओ अब तुम भी जाओ। ठीक है। आज तो बच गए लेकिन अब हमें सावधान रहना पड़ेगा। हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो लाडू, अब इन सब की बेल हो जाए। हो जाएगी, वो भी हो जाएगी। मुझे पूरा भरोसा है कि सुबह सब ठीक कर देगी। लाडू बा, बकुला काकी, लाडू बा, क्या हुआ? बकुला काकी, लाडू बा कहाँ है? बस ये क्या हुआ? लाडू बा, आप दोनों मेरे साथ जल्दी चलिए अभी। क्या हुआ? बेल हो गई? वो श्यामराज जी कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी के लिए आप मेरे साथ चलिए, बहुत अर्जेंट है प्लीज। लेकिन कहाँ चलना है? ठीक है मैं तुम्हारे दादाजी को पता कराती हूँ, अभी आई। हम चले। पारिक परिवार के सदस्य आपके दुख में शामिल होने आए। अगर ऐसा है तो मुझे मेरा पति लौटा दीजिए, वो भी जिंदा। आप लोग, ये पारिक परिवार के सदस्य आपके दुख में शामिल होने आए हैं। आपको मेरे दुख में शामिल होने की कोई जरूरत नहीं, चले जाइए यहाँ से। चले जाएंगे पर आपको ऐसी हालत में छोड़कर नहीं। देखो जो कुछ भी हुआ उस बात का हमें बहुत दुख है। इतनी छोटी सी उम्र में पति के गुजर जाने के बाद जिंदगी कितनी मुश्किल हो जाती है हम समझ सकते हैं। देखो फैक्ट्री में जो हादसा हुआ उसके लिए जिम्मेदार कोई भी हो लेकिन एक इंसान की जान गई उसके लिए मैं और मेरा पूरा परिवार तुमसे माफी मांगते हैं। अगर तुम्हें कोई मदद चाहिए तो हमसे जरूर कहना, हम समझेंगे कि हम हमारे परिवार की मदद कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो मुझे मेरा पति लौटा दे।
भी जिंदा। लौट आ सकती हैं आप? नहीं, ये तो मुमकिन नहीं है, पर आप अगर चाहो तो इन्हें इनके बेटे जरूर लौटा सकती हो जी। देखिए शांति, जब किसी घर में किसी एक इंसान की मौत हो जाती है तो उसके साथ कई निर्दोष भी मर जाते हैं। आप ही बताइए, इसमें पारिक परिवार का क्या दोष है? ये आप कैसी बातें कर रही हैं? हादसा फैक्ट्री में हुआ है तो कसूर भी मालिक का हुआ ना। और ऑन ड्यूटी शराब पीकर जाना, ये कसूर नहीं है? आप सब भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि शांति के पति को शराब की लत लगी। बोलिए बोलिए ना, आप सब चुप क्यों हैं? मैं जानती हूं आप किस लिए चुप हैं, उस रघु के डर से, है ना? शांति, आप समझने की कोशिश कीजिए, आपकी पति की चिता पर वो रघु अपनी रोटी सेक रहा है, आप क्यों चुप हैं? बोलिए, आवाज उठाइए, पूरा पारिक परिवार आपके साथ है। मैं सच कह रही हूँ शांति, गलती तुम्हारे पति की है और सजा आप भुगत रही है। वैसे ही पारिक परिवार की कोई गलती नहीं है, फिर वो सजा क्यों भुगते? मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ शांति, अपनी कंप्लेंट वापस ले लीजिए। लाडूबा को उनका बेटा और बकुला काकी को उनका पति और बेटे लौटा दो। बताओ शांति, तुम कंप्लेन वापस लोगी ना? आप चुप क्यों हैं? बोलिए, आप कंप्लेन वापस लेंगी ना? सुभाषिनी ने मुझे फोन करके 11:30 बजे से पहले यहाँ पहुँचने के लिए कहा था। लेकिन वो गई कहाँ? वो तो मुझे पता नहीं, सिर्फ इतना ही कहा था, वो आप लोगों की बेगुनाही का सबूत लेकर 12 बजे से पहले आ जाए। आप जैसे इतने बड़े लॉयर कुछ नहीं कर पाए तो वो क्या कर पाएगी? I'm sure कि वो जरूर आएगी और साथ में एक गवाह भी लेकर आएगी।